हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, अनामिका ऑल इन वन। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है। तो हमने सुबह से नाश्ता किया था और इसके बाद हमने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया और आज हम लोग निकल गए हैं घूमने। और आज हम लोग जा रहे हैं वन विहार। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस टाइम पे भोपाल में हूँ और हम लोग गए और हमारे साथ इतना बड़ा लफड़ा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और हमने सोचा भी नहीं था कि ये हमारे साथ होने वाला है, पर क्या करें, जो किस्मत में लिखा होता है होता वही है, उसको इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो देखिए आगे हमारे साथ क्या हुआ है। और हम बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा मौसम भी था, हल्की हल्की धूप थी। और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे बारिश बहुत हो रही है और लग ही नहीं रहा है कि अप्रैल का महीना है और इतनी गर्मियां चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग वन बुयार पहुँचे वैसे ही हमारे साथ इतना बड़ा कहाँ चल रहा है आप? जीता आइए ना, एक फोटो खिंचवा लो। मैं फोटो नहीं खींच रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। बेचारों बताते ही बताते थक जाएगा, जबकि इतना अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। हाँ तो उंगली बस दिख रही है। हाँ मुंह दिख रहा है। यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था, फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक कराई। और तो अगर आप भोपाल से हैं तो आप एक बार ज़रूर आइएगा। जो भोपाल में रहते हैं तो शायद पहले से ही उन्हें पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं और ये एक सेल्फी पॉइंट जैसा ही है फ्रेंड। चलें ये तो वीडियो बन रहा तुम्हारा, ठीक है? अरे तो आज तो खिंचा लीजिए, एक नंबर का व्यू है। कैसा लग रहा है? स्टैंड भी हटाया जाता है मैडम। चलिए आइए, चलेंगे, मेरी गाड़ी तो आ गई। और यहाँ पे मैं वन विहार को बाय बाय बोल रही थी, नेक्स्ट टाइम आऊंगी, इस शुक्रवार को छोड़ के अब हम लोग आएंगे। और
रील्स बना के कुछ फोटोज़ क्लिक करा के हम लोग वापस आ चुके हैं। अब देखिए कहाँ पे जाते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये स्कूटी चला रही है क्योंकि अभी इससे अच्छे से स्कूटी बनती नहीं है, तो यहाँ पे रोड खाली थी तो हमने बोला कि चलो थोड़ा सा चला लो। और पीछे बैठे हैं उसके हस्बैंड और हम लोग बहुत हंस रहे थे अपनी किस्मत में कि देखो हम जहाँ हम जाते हैं, हम लोगों के यहाँ कहते हैं एक कहावत कि जहाँ जाए भाग वहाँ लगे आग, ऐसी कहावत हम लोगों के साथ फिट हो गई है आज। क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक्साइटेड थे कि हमें घूमने जाना है। कुछ लाइफ में चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी बहुत मन करता है घूमने का लेकिन नहीं जा पाए हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे अगर भोपाल आना हुआ तो। और अभी हम लोग यहाँ पे भैया ने बताया कि चलते हैं सैर सपाटा, तो यहाँ पे भदभदा चौराहा के पास सैर सपाटा है। अभी फर्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे टिकट वगैरह लगती है या नहीं लगती है, तो देखते हैं। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और भैया लोग भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, इससे पहले अभी वो नहीं गए हैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी अचानक से और इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन सैर सपाटा के अंदर जैसे हम लोग अंदर गए हैं ना, तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और किसके किसके साथ ऐसा हुआ है आप जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि इंसान घर से बहुत खुशी हो के निकलता है, खुशी मन करके निकलता है, लेकिन ऐसा पोपट हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, हमने खुश होने का दूसरा अड्डा ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे बच्चे घोड़े पे सवारी कर रहे थे और हम यहाँ पे पानी घर से लेके आए थे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी, और फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। और चलिए चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी खाने की, जैसे चाट, फुल्की, समोसा और पानी था, नींबू पानी, और यही सब मिल रहा था। गन्ने का रस भी मिल रहा था, लेकिन हमें भूख तो ज़्यादा भी लगी नहीं थी क्योंकि हम लोग ने पोहा खाया था मॉर्निंग में, तो वो हैवी हो रहा था। और ये देखिए हम लोग सैर सपाटा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे टिकट लगती है 30 रुपया लगेगा। 30 रुपया 4 दिन का, 4 जन का, एक जन का। मेरे हस्बैंड ने टिकट कटाई हम चारों की और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ सैर सपाटा। और अगर आप भोपाल आए हैं और आपके पास टाइम है, आप कोशिश करिएगा कि शाम के टाइम पे जाएं, मतलब 5 के बाद ही जाएं, क्योंकि जब लाइटिंग जलने लगती है ना तब बहुत अच्छा लगता है। तो हम शाम का भी नेचर देख लेंगे और रात का भी, दोनों हो जाएगा। और अगर दोपहर में जाएंगे तो दोपहर में धूप भी रहती है तो इतना मन भी सही नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं सैर सपाटा घूमने, आप भी एंजॉय करिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक चीज़ देखने लायक है। और यहाँ पे देखिए फूल वगैरह कितने अच्छे लगे हैं और कितनी वैरायटी लगी हुई है। मेरा तो यहीं से मन भर नहीं रहा था और यहाँ से ही जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतने अच्छे कलर और इतने अच्छे फूल लग रहे थे फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे गाना चल रहा था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और भैया और उनकी वाइफ चल रहे हैं आगे आगे और मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ कैप्चर करने की ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों से। आप खुद जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को लेके जाएगा, ट्राई करिएगा एक बार। और बच्चों की टिकट कम लगती है शायद, मैं फिर से देख के बताऊंगी, या तो आप पहले जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पूल के पास और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। और हमने खूब इन्जॉय किया, मन दुखी था, वन बिहार जाने का सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग यहाँ आके अपने मन को बहुत अच्छे से खुशी कर लिया था और सब कोई हैप्पी थे। हमने पूरा घूमा है सैर सपाटा और खूब इन्जॉय किया, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और
सकते हैं कि सुकून मिल रहा था। सुकून ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं मिलती है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम दोनों एंजॉय करते हुए, यहाँ पे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ पे एक बच्चे के पिताजी ने अपने बच्चे को बताया कि वहाँ पे वीडियो बन रहा है, तो उसने फिर हेलो बोला। आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे वीडियो को स्लो कर दिया है और यहाँ पे देखिए बच्चा और उसके डैडा कितना स्माइल कर रहे थे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसने हेलो बोला मुझे तो। ये वाला होटल ताज दिख रहा है। इस व्यू बोलते हैं। अरे इतना हेल्दी नहीं सब, इतने मोटे मोटे लोग पहनते हैं कुछ हेल्दी। मतलब यार कहते हैं ना कि खुद को कंफर्टेबल होना चाहिए जो चीजें। पता है क्या, मैंने कभी ऐसा देखा है कि एक पेड़ में तीन रस्सियां, वो भी तीन कलर की, मैंने देखा है और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए येलो, रेड और ग्रीन कलर की रस्सी एक पेड़ से उगी हुई है। और बताइएगा आप सभी, ये किसका पेड़ है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये है सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पे हमने कुछ फोटोज क्लिक कराई थी और यहाँ पे रील्स भी मैंने बनाई थी। यहाँ पे पानी में अच्छे से देखिए बादल कैसे दिख रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, और पुल भी पूरा पानी में दिख रहा है। ये देखो कितनी मस्त फोटो। से बेर खाई थी, हस्बैंड ने तोड़ के दी थी, बहुत टेस्टी थी, मीठी मीठी बेर।
यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, और यहाँ से दूर दूर से लोग भी आते हैं घूमने। और यहाँ पे मोटू पतलू हम लोगों का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन इसका डोर तो बंद है और ये टूट चुका है पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी दिनों से बंद है। और हम आगे निकल चुके हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे ट्रेन फिर से बच्चों के लिए चल पड़ी है। और यहाँ पे टिकट लगती है पर पर्सन 10 रुपये। और पहले मैंने जैसा बताया कि बच्चों के घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, और यहाँ पे आप शाम को आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बच्चे इंजॉय करेंगे। 4 लोग मिलते हैं, 4 फ्रेंड मिलते हैं, तो उनके साथ ही बच्चे इंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा था। और हम हो रहे हैं रिटर्न, और हम जा रहे हैं घर। यहाँ पे सनसेट हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था, और ये हम वापस पुल पे आ चुके हैं। एक्सपीरियंस रहता है ना उसमें थोड़ा सा, और मैं भी फर्स्ट टाइम बैठी थी, पहले रूम लग रहा था। तो जिससे मुझे पता वर्षा बैठी थी उसको भी नहीं आता, मैं तो नहीं आता उसको। लेकिन ये रहता भी होगा। फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ खाने की इच्छा हो रही थी लेकिन फिर हमने नहीं खाया। और यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही थी किसी को घोड़े की सवारी तो नहीं करनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे होटल ताज के पास पहुँच चुके हैं, जो मैं वहाँ से अंदर से दिखा रही थी आप सबको ना, ये पास में, अब हम रोड से निकल रहे हैं तो पास में दिख रहा है। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, उससे पहले देखते हैं कुछ खाएँगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हम फुलके खाते हैं, और यहां से हम दही पूरी खाएंगे पहले, फिर इसके बाद पानी पूरी भी खाएंगे, क्योंकि यहां इसके यहां की फुलकी, मैं भोपाल में सिर्फ 3 जगह फुलकी खाती हूं, और ये फुलकी तीनों कोलार में या दानिशगंज में ही मिलती है। और इसके अलावा मुझे भोपाल की फुलकी, और मैंने कहीं की टेस्ट भी नहीं की है, 2-4 जगह की टेस्ट की थी तो वहाँ की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम वापस यहीं आ जाते हैं। तो ये रही हमारी दही पूरी, और हमने सबने इन्जॉय की। भैया जल्दी खा के निकल गए थे, उनको कुछ काम। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है कहीं भी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।